अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम, हज्जन किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं मीठी सौंठ। इमली की चटनी बनाने के लिए, ये इमली को मैंने धो के रख लिया था। ये मेरी 250 ग्राम इमली है, 250 ग्राम 250 ग्राम मैंने इमली ली है। इसको मैंने बिल्कुल 10 मिनट पहले इसको भिगोया, धोकर भिगोया है। मैं झटपट वाली बनाऊंगी, जो झटपट मतलब जब चाहें आप बना सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि रात में इमली भिगोएं फिर उसका वेट करें, टाइम अगर आपके पास है या नहीं है। 10 मिनट मेरे हो चुके हैं इसको भिगोए हुए, और बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये सौंठ। ये खूब अच्छे से 10 मिनट में जो भीग गई है। अब मैं एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने ये इमली को पलट लिया है, जिसमें इसको हमें बॉईल करना है। वो बर्तन मैंने लिया है, उसमें ये इमली डाल दी है, और जो मैंने पानी लिया था इसके अंदर वो भी उसमें ही डाला हुआ है। जब मैंने इमली को भिगोया था तो उसमें एक गिलास मैंने पानी डाला था, जिसमें वो अच्छे से फूल गई है। उसी पानी में मैं इसको बनाऊंगी, वही पानी इसको इसका इस्तेमाल करूंगी, ना मैं और पानी डालूंगी, ना वो ही सही रहेगा बिल्कुल। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए मैं इसको धीमी गैस पर, बिल्कुल धीमी गैस पर इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए और इसका गूदा बिल्कुल अलग हो जाए। 10 मिनट मेरे हो चुके हैं, अब मैं खोल के देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है ये। देखिए मैंने इसके बीच बीच कुछ भी नहीं निकाले हैं, आप ये देखेंगे कम से कम 6-7 घंटे पहले भिगोती, जब भी बीज मुश्किल से निकलते। ये 10 मिनट मेरे बॉईल करने से बीज अपने आप अलग हो जाएंगे इसके। बस थोड़ा ठंडा करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बीज मेरे किस तरह से अलग हो जाएंगे। ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, और ये मैशर से मैं मैश कर रही हूँ, तो इसके बीज बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बहुत आसानी से हम इसको जो है छन्ने में छान लेंगे, और बीज अलग निकल जाएंगे और गूदा अलग हो जाएगा हमारा। अब मैं इसको छान के दिखा रही हूँ आपको, इस बड़े छन्ने से छान देंगे इसको, कोई भी छन्ना ले लें। अब ये एक मैंने बॉल लिया है, बॉल के ऊपर मैं इसमें छन्ना रख दूँगी, ये छन्ने की मदद से इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। गूदा हमारा सब निकल जाएगा, बाकी जो बीज बीज है ऊपर रह जाएंगे वो उसको फेंक देंगे, ये सब गूदा हमारा बहुत आसानी से नीचे निकल जाएगा। और बाकी की सब मैं इसमें इसी तरह से छान दूंगी। इमली मेरी पूरी छन चुकी है, बिल्कुल देखिए अब सब इमली का गूदा मेरा बाउल में आ गया है। अब एक कढ़ाई रख रही हूँ मैं गैस पर, कढ़ाई में हम एक चम्मच सौंफ डालेंगे, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच मैंने सौंफ डाली है, एक चम्मच मैं जीरा लूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम इसमें, जीरा और सौंफ दोनों मैं इसमें भून लूँगी। आप चाहें तो ये जीरा और सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये साबुत अच्छी लगती है, कहीं कहीं दाना दाना मुंह में आता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसका, तो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। ये अच्छे से, ये मेरी सौंफ और जीरा भुन चुके, छान के रखी थी मैंने इमली, ये इसमें डाल दूँगी। ये इमली मैंने सब इसमें डाल दी है, जिसमें इमली रह गई थी थोड़ा सा मैंने इसको साफ करके डाल दिया इसमें। अब इसको पकाने रख देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी, एक चम्मच मैंने सौंफ डाली है इसमें पिसी हुई, आधा चम्मच डालूंगी काला नमक, ये पहले मैंने थोड़ी मिर्च ली है, ये कश्मीरी मिर्च है, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, ये और ये आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। इसको अच्छे से चला देंगे। इसको पकने देंगे, और अब मैं डालूंगी इसमें चीनी, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं चीनी की सौंठ बना रही हूँ, आप चाहें तो आधी चीनी भी डाल सकते हैं। अब मैंने आधा किलो इसमें चीनी डाली है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और पकाने रख देंगे, खूब अच्छे से पकाएंगे इसको।
जब तक ये चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाए और खूब अच्छे से बिल्कुल चाशनी हमारी तैयार ना हो जाए, जैसे चाशनी बनती है गाढ़ी गाढ़ी, इस तरह से सौंठ को भी हमें इसी तरह से ही पकाना है, मगर इतना ज़्यादा ना पकाएं कि वो बाद में जम जाए। ये थोड़ी सी मैंने खजूर ली है कटी हुई और थोड़े बादाम, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, बहुत मज़ेदार ये खट्टी मीठी हमारी सौंठ बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। दही बड़ों के साथ तो बहुत ही लाजवाब बन लगती है ये। दही बड़ों में इस्तेमाल करें, पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, या कोई भी आप पकौड़ा बनाते हैं उसके साथ खाएं, भल्ले के साथ खाएं, टिक्की, जो भी जिस चीज़ के भी साथ आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सौंठ जो है कम से कम एक साल भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, पूरे साल आप खा सकते हैं इसको रख के। इसको खूब अच्छे से पकने दें, थोड़ा चलाते रहें ताकि चीनी हमारी नीचे लग ना जाए। सौंठ हमारी करीब रेडी है, थोड़ा सा बस हम और पकाएंगे इसको। ये फूड कलर डाला है मैंने थोड़ा सा, चाहे तो आप डालें या नहीं आपकी चॉइस पर है, थोड़ा सा कलर दिया है मैंने इसे, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर डालने से अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने डाल दिया है, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो डालें। इसको अच्छे से पका लेंगे, बस 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। थोड़े से ये मैंने 5 मगज डाले हैं इसमें, थोड़े टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, दोनों ही बात है। तो मैंने थोड़ा सा ये थोड़े से ये डाल दिए, थोड़े से बादाम, थोड़े काजू, थोड़ी खजूर, थोड़े से ये 5 मगज ये डाल दिया है मैंने। सौंठ मेरी खूब बढ़िया सी तैयार हो गई है, सौंठ मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो रही है। अब ये थोड़ी गाढ़ी होती है तो हम इसको उतार के ठंडा करेंगे, फिर जिस चीज़ में आप रखना चाहें उसको भर के रख लें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक सब लोगों को। ये जितनी गाढ़ी दिख रही है उससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद, जो इस तरह से अभी हमें दिख रही है ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये बाउल में मैं पलट रही हूँ उसको, मैंने बाउल एक बाउल लिया उसमें ये सब निकाल ली है। कितनी ज़बरदस्त मेरी सौंठ बन के तैयार हुई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। देखिए कितनी अच्छी सौंठ मेरी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक सबको, सब लोगों को रमज़ान में बहुत बहुत मुबारकबाद सबको।